अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शुएब कासिम ऑफिशियल। एक नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इट्स 7 o'clock इन द मॉर्निंग और मंडे है आज। और आपको बताता चलूँ, बच्चों के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं और दे आर रेडी एंड वी आर गोइंग टू स्कूल नाउ। और मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, तो चलिए बच्चों को स्कूल छोड़ने चलते हैं। ओके मुस्तफ़ा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, पेपर आपने 2 times चेक करना है, पता है ना आपको? 2 times पेपर चेक करना है और आराम से चेक करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़। वैसे अल्लाह हाफिज़। ये मान अल्लाह जी। तो दोस्तों, बच्चों को ड्रॉप कर दिया है और अब मैं घर पहुंच गया हूं बच्चों को ड्रॉप करके। नाश्ता भी कर लिया मैंने, बड़ा लाइट सा नाश्ता अब मैंने अपना जो है ना वो स्केड्यूल किया हुआ है। एक दूध का कप पी लेता हूं और साथ 2 ब्रेड के स्लाइसेस ले लेता हूं। मैंने आपको बताया था कि बच्चों के पेपर्स स्टार्ट हो गए हैं। अभी सिर्फ मुस्तफ़ा के स्टार्ट हुए हैं। 9 मार्च है आज और उसका पहला पेपर है इंग्लिश का। अल्हम्दुलिल्लाह, कल हम लोगों ने तैयारी की पेपर की और बहुत अच्छी तैयारी हुई। और आप लोग भी दुआ करिएगा मुस्तफ़ा के लिए कि उसका पेपर अच्छा हो जाए, उसके फाइनल एग्ज़ाम्स हैं। और वास्से के स्टार्ट हो रहे हैं 13th को। गला मेरा जो है ना थोड़ा सा ख़राब हो रहा है मौसम की वजह से, तो उसके स्टार्ट हो रहे हैं 13 से। तो गाइस, अब मैं रेडी होने जा रहा हूँ, मैंने जाना है ज़रा काम, तो आपसे कुछ देर के बाद मिलते हैं। 5 hours later। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आपका टेस्ट कैसा हुआ? अच्छा। सही से बताओ। कितनी दफा चेक किया? स्लोली स्लोली। चलो गुड बॉय। तो वो आए थे सिंगुलर मैस्कुलिन फेमिनिन आए थे? अच्छा, चलो गुड। Two hours later. Hello Mustafa. उर्दू का पेपर है? कौन सा चैप्टर याद किया आपने? चांद और तारे। अच्छा जी, चांद और तारे। अब उसके आगे ये टेस्ट है, ये टेस्ट, ये इधर, ये उसके बाद स्कूल। कितने टेस्ट नहीं हुए हुए? अभी देख दो। 3 टेस्ट नहीं हुए हुए? नहीं, आप खुद ही बता रहे हो ना कि 2 के 3 टेस्ट नहीं हुए हुए। 4 टेस्ट हुए हैं, 3 के नहीं हुए। 3 के नहीं हुए। टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 7। तो फिर जिनके नहीं हुए हुए उनका बुक से भी करेंगे हम। हाँ, अच्छा सही। क्या लेके जानी है? देखें जी, 4 o'clock हमने काम स्टार्ट किया था। कल मुस्तफ़ा का उर्दू का फाइनल पेपर है और 9 o'clock होने वाले हैं।
तो देख ले मुस्तफा ने कितनी मेहनत की है आज। इधर आए मुस्तफा बाबा के पास। तो मुस्तफा ने की है आज बहुत सारी मेहनत। इंशाल्लाह मुस्तफा का कल पेपर बहुत अच्छा होगा। 1 hour later। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि आपका टेस्ट अच्छा हो गया? मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा है? मैं गया आपकी तरह। नहीं, फिर उन्होंने बता दिया कि उन्होंने बता दिया फिर कि क्लियर हो गया। ये सूरज उन्होंने नहीं है यहाँ पे कहीं उन्होंने भी। दादा बू को बताया था कि क्लियर हो गया है। अच्छा, सही है। अच्छा मुझे बताओ कि हादी भाई के घर जब आप खेल रहे थे अभी, तो कौन 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 खेल रहा था? ये खेल रहा था, वासे खेल रहा था, मुस्तफा खेल रहा था मुस्तफा खेल रहा था और और तैमूर खेल रहा था। वासे, वासे को दिस इज ना, वासे, वो वासे मुस्तफा घर की सफाई कर रहा था। एंड दिस इज मैं भी बकवास कर रहे हैं, क्या कर रहा है? नहीं बेटा, बकवास। बड़े भाई को ऐसे नहीं कहते। अच्छा तो कौन जीता फिर? फिर हम लोग जीत गए, मैं और वासे हादी को, भाई वासे हार गया। झूठ बोल रहे हैं, बड़े काके पहली वाले बॉल इसको। पे अंडे पे आउट हो नहीं, जाते। वासे किसकी टीम में था? हादी ये भाई जीत दिया मैं, और हादी भाई ने ही जितवाया। हादी भाई ने सारा हादी स्कोर भाई किया। सारा स्कोर करते थे बैटिंग में, मैं बॉलिंग में। आप बॉलिंग कराते हो? लेकिन वो तो मैं जब आया था तो उस टाइम तो हादी भाई बॉलिंग करा रहे थे। जी उस टाइम तो हादी भाई बॉलिंग करा रहे थे। तो उन्होंने अपना ओवर नहीं लेना था, ये नहीं, तब तो न्यू न्यू बैटिंग देखिए खत्म हुई थी। यस क्या तुम शुतुरमुर्ग वाली हरकतें कर रहे हो? यार, तूने गाड़ी साहब की फोटो खींच ऐसे की तस्वीर खींची है इसने। फिर ली। क्या कर रहे थे कारी साहब? गाड़ी साहब ने जयपुर ही को बुलाया, उसको डांट पड़ी। मेरी गाड़ी अपनी गर्दन हिला के डांस करना शुरू हो गया। जब मैंने इसको शुतुरमुर्ग कहा, फिर साहब के सामने? ना बेटा, कारी साहब के सामने आप डांस क्यों कर रहे हो? अच्छा आपको लोगों को पता है कि मुस्तफा ने आज कितने घंटे पढ़ा है? मुस्तफा 5 hours, 5 hours, 3 hours और पढ़े उसमें फोर मुस्तफा को। आवर्स 4 hours 45 minutes आपने पढ़ा है। ये मार के पढ़ाते हैं, मैंने नहीं मुस्तफा, मैंने मारा है आपको? मुझे मार के पढ़ाते ऊंची हैं, बोलो, मारा है मैंने मुझे आपको? मार के, मारे मुझे मार के पढ़ा। अच्छा, मैं आप लोगों को ना सुनाता हूँ कि जुनैद जिया के साथ ना क्या हुआ। एक दफा तो जुनैद जिया अपने फ्रेंड के साथ ना, जुनैद जिया के बहुत पुराने फ्रेंड थे, उनके साथ जुनैद जिया जा रहे थे एबटाबाद जा रहे थे। उनके उनका ना बहुत पुराना वहाँ पे घर था, उनके दादा का, उधर जा रहे थे। उस घर को उन्होंने सेल करना था। तो वहाँ पे ये लोग पहुँचे हैं कोई तकरीबन रात को 10-11 बजे। 10-11 बजे जब पहुँचे हैं ना, वहाँ पे गाड़ी खड़ी की, वहाँ पे चौकीदार था उनका। तो इन्होंने, यंग थे ये लोग, इन्होंने कहा कि हम लोगों ने ना वॉक करने के लिए जाना है बाहर। तो चौकीदार ने कहा कि सर आप इस टाइम वॉक करने मत जाएं, ये जो है ना ख़तरनाक है रास्ता, तो आप अभी वॉक करने के लिए ना जाएं। इन्होंने कहा नहीं, हमने जाना है वॉक करने के लिए। तो वहाँ से ये निकले वॉक करने के लिए। तकरीबन अभी 1 या 1.5 किलोमीटर गए होंगे आगे, तो आगे दरख्त था। तो दरख्त के ऊपर जो है ना, वाइट कपड़ों में, इतने लंबे लंबे बाल थे और वाइट कपड़ों में एक औरत बैठी हुई थी दरख्त के ऊपर। इन लोगों ने चीखें मारी हैं, चीखें मार के लोग भागे वहाँ से वापस, और जितनी स्पीड में गए थे उसे डबल स्पीड में वापस घर पहुँचे हैं। तो घर आके उन्होंने चौकीदार को बताया कि ये हुआ है हमारे साथ। तो चौकीदार ने कहा साहब जी, मैंने तो आपको बोला था कि इस टाइम जो है वो ये सड़क ख़तरनाक है, आपने नहीं जाना, मगरिब के बाद
यहाँ से लोग नहीं गुजरते, और उस टाइम जो है ना एबटाबाद की आबादी इतनी ज़्यादा नहीं थी, मैं बात कर रहा हूँ 1990s की, उस टाइम की बात है, वहाँ पे आबादी इतनी ज़्यादा नहीं थी। फिर ये वापस आ गए और वो जो घर था ना वो भी हॉन्टेड था, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो जो है स्टोरी जो है ना वो मैं आपको कल सुनाऊंगा, अभी जो मैंने सुनाई है ना वो यही है कि वो औरत उनको नज़र आई दरख्त पे बैठी हुई थी, उसके इतने लंबे लंबे बाल थे और वाइट कलर का उसने वो पहना हुआ था, लंबा सा चोगा सा पहना हुआ था, और ये भी लोग भागे हैं वहाँ से। ये स्टोरी थी। आप एक काम करो, जब सुबह जो नया चाहिए उठेंगे ना तो उनसे पूछ लेना, और ये ऐसा, वाली स्टोरी मैंने सुनी ऐसा है। ऐसा हुआ था वैसे, या नहीं हुआ था वैसे सुनी है। वैसी ही ने सुनाई थी, याद है मुझे यही वाली सुनाई थी, चौकीदार वगैरह। हाँ ये हुआ था उनके साथ। तो और घर में क्या हुआ था वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, बल्कि कल नहीं मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिस दिन छुट्टी होगी ना, टाइम होगा हमारे पास, रात को 12 o'clock वो स्टोरी स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों बच्चे सो गए हैं और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।